वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर प्रचार कर रहे हैं। वह आज तमिलनाडु के वेल्लोर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि वेल्लोर की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। बीजेपी और एनडीए को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है और पूरा तमिलनाडु कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है, वही भारत आज दुनिया की एक ताकत बनकर उभर रही है। मुझे खुशी है कि भारत में तमिलनाडु की एक भूमिका रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी को आगामी 14 अप्रैल के नव वर्ष के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये वर्ष तमिलनाडु की यात्रा को और मजबूत करेगा और आने वाले चुनाव तमिलनाडु के लोगों में नया उत्साह पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के लिए एक विकसित भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी राजनीति में फंसा कर रखना चाहती है और पूरी डीएमके एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की पारिवारिक राजनीति की वजह से तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स। सेकंड, करप्शन। थर्ड, एंटी तमिल कल्चर।